Hello dear students, now let's we learn constructing a copy of an angle of unknown measure. एक कोई एंगल ड्रॉ किया गया है और आपको क्या करना है, इसी के इक्वल एक एंगल कॉपी करके बना के दिखाना है. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन. लेट्स वी स्टार्ट नाउ. सपोज एन एंगल हुज मेजर वी डू नॉट नो इज गिवन एंड वी वॉन्ट टू मेक ए कॉपी ऑफ दिस एंगल. एज यूजल वी विल हैव टू यूज only a straight edge and the compass is given angle A whose measure is not known. So this is your angle. I don't know how many degree are there. First step is draw a line. First we draw a line L, okay, and choose a point P on this. Place the compass at A. ये देखिए हमने compass को A पर put किया. And draw an arc to cut the rays of angle A and B and C. ये देखिए ये draw किया, यहाँ से pencil move की BC. Then draw another line PQ, okay, and put the same arc at point P and make the same arc. Clear? Now you have to measure this length of this arc BC through the help of compass. ये देखिए हमने measure कर लिया. एंड इस स्टेप से हम क्या करेंगे, पिन पॉइंट क्यू पर पुट करेंगे और इस जो आर्क बनाया था इस आर्क को यहाँ क्या करेंगे, आर्क कट कर देंगे. जैसे ही हम कट करेंगे तो वी मार्क हियर पॉइंट आर देन ज्वाइन पी आर. ये देखिए हमने पी आर ज्वाइन किया. इसका मीनिंग ये हुआ कि जो एंगल हमारा कौन सा आर पी क्यू बना है दैट इज इक्वल टू द एंगल सी ए बी. तो आप समझ गए कैसे हम एक एंगल को कॉपी कर सकते हैं सेम एंगल की तरह विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास. ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लर्न थ्रू द प्रैक्टिस थ्रू द कंस्ट्रक्शन इन दिस चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. ओके, गॉड ब्लेस यू.